और अब खबर संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले संसद पुस्तकालय भवन में सर्वदलीय बैठक संपन्न हो गई है। वहीं बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि तय नियमों के अनुसार सरकार सभी विषयों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सदन सुचारू रूप से चले। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर 2023 से शुरू होकर 22 दिसंबर 2023 तक चलेगा। मीटिंग में 23 पार्टी का 30 लोग हाजिर हुए थे। 23 पार्टीज 30 लीडर्स हैड अटेंडेड। कई सजेशन आए हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, कॉलिंग अटेंशन के लिए और जीरो ओवर के लिए ऐसे कुछ उनका डिमांड है। जीरो ओवर तो हम चलाते ही आए हैं। दोनों सदनों में जीरो ओवर तो हम ऑलमोस्ट 99% रेगुलरली हमने चलाते आए हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन का भी चर्चा चला है, लेकिन हमने इतना ही कहा है शॉर्ट ड्यूरेशन जब चर्चा आप चाहते हो, आप स्ट्रक्चर डिबेट के लिए एक माहौल बनाए रखना भी आपका जिम्मेदारी है। ऐसे हम भी निवेदन किए, हम चर्चा के लिए तैयार है। टोटल 19 बिल हमने आइडेंटिफाई किया है। दो फाइनेंशियल आइटम्स है। टोटल आज के दिन में 21 आइटम्स हमारे कंसिडरेशन में है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दुबई में जलवायु सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी खींची और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी शेयर करते हुए एक कैप्शन भी लिखा है। उन्होंने लिखा है कि COP28 में अच्छे दोस्त। इस तस्वीर में दोनों देशों के प्रधानमंत्री मुस्कुरा रहे हैं। जॉर्जिया मेलोनी ने #melody के साथ सोशल मीडिया पर सेल्फी शेयर की है। जॉर्जिया मेलोनी का सोशल मीडिया पोस्ट बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ है। पोस्ट को अब तक लगभग 17.2 मिलियन व्यूज मिल